के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव में एक बच्ची है, 10 साल उम्र है और एक पैर से दिव्यांग है। 2 साल पहले एक हादसे में इसका एक पैर उसको गंवाना पड़ा था। डॉक्टर ने इसकी ज़िंदगी बचाने के लिए काट दी थी, लेकिन पढ़ने लिखने का जुनून किस तरह से देख सकते हैं। एक पैर ही मात्र है इसके पास है, लेकिन हर दिन स्कूल आती है और चूँकि इसलिए कि इसको पढ़ लिख के काबिल बनना। हम चाहेंगे सीमा तुम थोड़ा नीचे उतर जाओ, देख सकते हैं कि किस तरह से, और हर दिन 500 मीटर की दूरी तय कर अपने घर से स्कूल आती है सिर्फ इसलिए कि पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, काबिल बनना है। अच्छा, क्यों पढ़ाई लिखाई करना चाहती हो तुम? टीचर बनना है। पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? पढ़ाई लिखाई क्यों जरूरी है? मेरा बाप माँ गरीब है। हाँ, तो उसे क्या फायदा होगा पढ़ लिख के? तो एक पैर है तो आपका तो दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती आपको? तो पैर अपने आ जाती हो स्कूल, तो दर्द नहीं करता है, पैर नहीं दुखता है? नहीं दुखता है। पढ़ाई लिखाई जरूरी है? पढ़ाई लिखाई जरूरी है। और देख सकते हैं महादलित परिवार से आने वाली ये बच्ची है, और खास बात है कि इसके माता पिता कोई पढ़ा लिखा नहीं है, ये टीचर है स्कूल के। अच्छा, क्या विशेषता, क्या खासियत पाए, कैसा इसमें जुनून पार देख रहे हैं आप? ये बच्ची जो है 2 दिन से ही विद्यालय आ रही थी। हाँ। है ना, तो उस दिन जब इस बच्ची को हम देखे तो आश्चर्य हुआ कि एक पैर से चल रही है, और पानी के लिए बोली थी कि पानी पीना है हमको, कहीं पानी, हम बोले मंगवा देते हैं हम पानी।
अच्छा कैसे आए स्कूल, कैसे आती है ये तो पगडंडी से चल के आती है, एक पैर पे ही आती है, थकती भी नहीं है। पढ़ने लिखने का हौसला है? हाँ, काफी 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 हौसला है इसके अंदर, काफी जुनून है।